लाइक बटन पर चप्पल मारकर वीडियो के अंदर आए, उंगलियों का कमाल दिखाते हुए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और हाथ जोड़कर घंटी बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन वाला प्रसाद मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जियो की बात करें तो जियो आए दिन एक नया ऑफर खत्म हो नहीं पाता है, दूसरा नया ऑफर लॉन्च कर देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जियो के बारे में। दोस्तों जब जियो स्टार्टिंग में आया था तो उसने जियो का सिम देख कर तहलका मचाया। कुछ समय बाद जियो जियो फ़ोन लेकर आया, उसने तहलका मचाया। और अब क्या खास आने वाला है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि जियो लेकर आने वाला है बहुत ही जल्दी जियो के लैपटॉप। जी हाँ दोस्तों, जियो लाने वाला है जियो लैपटॉप, तो बहुत ही कमाल के लैपटॉप होने वाले हैं। दोस्तों हम लोग मोबाइल फ़ोन तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम लोग लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लैपटॉप के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लैपटॉप को हम लोग कैरी नहीं कर सकते इधर से उधर, क्योंकि ये काफ़ी भारी होते हैं और पोर्टेबल हैं, लेकिन फिर भी उस मामले में मोबाइल जितने पोर्टेबल नहीं होते हैं। इसको हटाने के लिए फ़िलहाल नॉर्मल टैबलेट तो आए, लेकिन टैबलेट उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सके, इसलिए जियो कुछ बहुत ही कमाल लेके आने वाला हो। तो आज इस जियो लैपटॉप के बारे में सारी स्पेसिफिकेशंस, क्या इसके प्राइस हो सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते रहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जियो जो है एक लैपटॉप, ऐसा लैपटॉप लेकर आने वाला है जिसमें जियो की सिम लगेंगी, यानी कि उसमें इनसाइड हो सकता है कि जियो के सिम ऑलरेडी इंसर्टेड हो, आप डायरेक्टली लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं जियो के सिम के साथ। जी हाँ, ऐसा लैपटॉप शायद पहली बार ही देखने को मिलेगा जिसमें जियो का सिम इंसर्ट होगा, या फिर कोई भी सिम हम इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी सारे अभी तक जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उन सारे में नॉर्मली हम वाईफाई या किसी डोंगल के थ्रू, मॉडम के थ्रू ही इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसा पहली बार होगा, ये बहुत काम की चीज है और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों अच्छी बात ये मैं बता दूं कि ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये लैपटॉप काम करने वाले हैं, तो काफी ज्यादा कमाल के हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जियो जो है विंडोज़ 10 और साथ ही साथ क्वालकॉम जो एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बनाते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, जैसे हमारा प्रोसेसर होता है मोबाइल फ़ोन में, आजकल स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चलता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में इंटेल के, एएमडी के कुछ इस तरह के प्रोसेसर आते हैं, लेकिन जियो जो लैपटॉप ला रहा है उसमें लाएगा स्नैपड्रैगन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। फिलहाल इससे रिलेटेड कई सारे कंपनीज हैं जैसे एचपी है, असूस है, लेनोवो है, इन लोगों ने इस तरह के प्रोसेसर्स वाले कंप्यूटर बनाए हैं जो कि काफ़ी लाइट वेट हैं और काफ़ी अच्छे हैं, और आप इन्हें पोर्टेबल काफ़ी लाइट वेट होते हैं, हल्के, आप आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे फायदे होते हैं अगर आप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर या क्वालकॉम कंपनी के प्रोसेसर यूज़ करते हैं। इंटेल के प्रोसेसर आखिर इनके लैपटॉप से रेंज काफ़ी महंगी हो जाती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जियो का और क्वालकॉम का एक टाइप चल रहा है, हो सकता है इन लोगों में बात चल रही है और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद इस तरह के लैपटॉप हमारे सामने मिल जाए। तो जियो और क्वालकॉम हो चुके हैं एक साथ और बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाले हैं लैपटॉप। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो लैपटॉप आएंगे विंडोज़ 10 पर आएंगे, साथ ही साथ इन लैपटॉप की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इनको बहुत ही अच्छे से मूव करा सकते हैं, डायरेक्टली लैपटॉप को अलग कर सकते हैं, एज अ टैबलेट की तरह कर सकते हैं, कीबोर्ड अलग हो जाएगा, लैपटॉप अलग हो जाएगा। इसके अलावा ये लैपटॉप टच स्क्रीन भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक जो हमने नॉर्मली क्वालकॉम के प्रोसेसर वाले लैपटॉप देखे हैं उनकी बात कर रहे हैं, अब जियो का लैपटॉप कैसा होता है, क्योंकि जियो हर बार कुछ ना कुछ नया करता है और बहुत ही फर्स्ट स्टेप होता है जियो का। तो हमेशा फर्स्ट स्टेप, आपको पता है फर्स्ट मूवर जो होता है वो 100% बेटर सक्सेस की ओर जाता है। तो जियो फ़ोन भी हमेशा सक्सेस पे गया, जियो सिम सक्सेस पे गया, तो जियो लैपटॉप की क्या बात है। तो देखते हैं क्वालकॉम प्रोसेसर के साथ फिलहाल क्या कुछ बनता है। फिलहाल यही न्यूज़ आ रही है कि जो जियो के लैपटॉप आएंगे बहुत ही स्लिम होंगे और बहुत ही लाइट वेट होंगे, अल्ट्रा लाइट वेट होंगे और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे होंगे, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होंगे। फिलहाल इनकी कीमत की बात की जाए तो लगभग मैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, लगभग 20,000 तक हम लोग मान सकते हैं कि इस रेंज में हमें 20,000 तक ये लैपटॉप मिल सकते हैं। फिलहाल अभी मैं कीमत को बिल्कुल डायरेक्टली नहीं कहूँगा क्योंकि जियो की तरफ से या ओरिजिनल जियो की तरफ से, माई जियो की ऐप से, मुकेश अंबानी जी के, ऐसी कोई भी रिलेटेड न्यूज़ नहीं आई है कि वो उसका प्राइस इतना रखेंगे ये प्रोसेसर। अभी मैं केवल ये आपको बता सकता हूँ कि अगर ये स्पेसिफिकेशंस होते हैं तो उससे रिलेटेड यहां पर कुछ इस तरह के प्राइसेस हो सकते हैं, लेकिन जियो हर बार बहुत ही ज्यादा कॉस्ट से
पीछे हटके यानी कि बिना किसी मार्जिन के बहुत ही लो लेवल पे काम करता है, जैसे कि जियो सिम बिल्कुल फ्री मिले, जियो फोन 1500 रुपये में बहुत ही लो कॉस्ट में दिए, तो हो सकता है जियो लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं कि जियो का सिम आपको उस लैपटॉप के अंदर मिलेगा, विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होगा, कोई इंटेल प्रोसेसर नहीं होंगे, तो बहुत ही कमाल के लाइट वेट अल्ट्रा वेट और बहुत ही कूल लैपटॉप्स आने वाले हैं मार्केट में। तो भाई तैयार हो जाओ जियो के लैपटॉप के, जिन लोगों के लिए लैपटॉप खरीदे नहीं हैं या फिर लैपटॉप खरीदने के सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करो क्योंकि आने वाले हैं जियो के लैपटॉप। तो यही इन्फॉर्मेशन, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, और जियो से रिलेटेड ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ और भी टेक रिलेटेड न्यूज़ आप सबसे पहले पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर